Hello viewers, welcome to my YouTube channel English Academy. आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th की अंग्रेजी टेक्स्ट बुक पैनोरमा पार्ट 2 के चैप्टर 2 की मी एंड द इकोलॉजी बिट। पिछले वीडियो में भी हमने इस पार्ट पे चर्चा किया था, जिसका शेष भाग आज के वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आगे जिम कहता है, वेल आई से But I can't think of anything to go with it. Then I see she is piling newspapers next to her garbage bags. कहता है ठीक है, मुझे नहीं लगता कि कुछ इसके बारे में कहा जाना चाहिए या उसके बारे में सोचा जाना चाहिए। फिर वो देखता है कि then I see she is piling newspapers next to her garbage bags. Piling newspapers यानी newspapers को बांध रही थी, गार्बेज बैग्स के अलावे घर में पड़े अखबारों को बांध रही थी। तब जिम फिर कहता है, लिसन मिस ग्रीन, सुनिए मिस ग्रीन, सेव दोज पेपर्स फॉर द स्कूल पिकअप एंड दे कैन बी मेड इनटू न्यू पेपर, सेव एल्युमिनियम कैंस टू। कहता है कि मिस ग्रीन सुनिए, इन अखबारों को बचाइए, इनको स्कूल वाले लेके जाएंगे और इससे दूसरे किसी काम में फिर ले लेंगे, और हमें एल्युमिनियम कैंस को भी बचाना चाहिए, इससे रिसाइकिल भी किया जा सके। तब ये गुस्से में कहती है मिस ग्रीन, लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप, जैसे पिछले बार स्कूल वालों ने उठाया था। सी आस्क्स व्हेन यू सेड यू वुड कम एंड पिक अप देम बट यू नेवर शोड अप। तो कहती हैं कि पिछले बार की तरह जैसे तुमने कहा था कि तुम आओगे और उसे उठा लोगे, लेकिन फिर तुम कभी दिखाई नहीं दिए। फिर कहती हैं, इट इज इजियर टू थ्रो देम अवे इफ यू एट ए टाइम देन हैव ए बिग मेस लाइक दैट। वो कहती हैं कि थोड़ा थोड़ा हटा देना ही, फेंक देना ही, थ्रो का मतलब हुआ फेंक देना। तो कहती हैं, इट्स इजियर टू थ्रो देम अवे ए फ्यू एट ए टाइम देन हैव ए बिग मिस लाइक दैट। कहती हैं कि जब थोड़ा थोड़ा हो तभी उसे हटा देना, फेंक देना ठीक है, कि बाद में ये ज्यादा होके अव्यवस्थित ना हो जाए। उसके बाद कहता है, आई गेट टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू गेट मिस ग्रीन टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी। कहता है मैं थक गया यह प्रयास करके कि मिस ग्रीन इकोलॉजी के बारे में कोई काम करे। आई गो टू मिस्टर जॉनसन्स हाउस, मैं मिस्टर जॉनसन के घर गया। ही मेक्स ए रन फॉर हिज कार बट आई कैन रन फास्टर देन ही कैन। वो मिस्टर जॉनसन के घर गया, ही मेक्स ए रन, वो दौड़ रहे थे फॉर हिज कार, अपने कार की तरफ, बट आई कैन रन फास्टर देन ही कैन, लेकिन मैं उससे तेज दौड़ सकता हूँ, वो जितना दौड़ सकते मैं उससे तेज दौड़ सकता हूँ। तब क्या हुआ, तब कहते हैं मिस्टर जॉनसन क्या कहते हैं, जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोजेज ही सेज हफिंग एंड पफिंग। कहते हैं मिस्टर जॉनसन कि जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोजेज, मैं पोस्ट ऑफिस पहुंचना चाहता हूं इसके पहले कि वो बंद हो जाए। हफिंग एंड पफिंग ने कोई जब जम में दौड़ के आता है और जब हाँफता है वो, यानी तेज सांस लेते हुए हाँफते हुए कहते हैं कि मैं पोस्ट ऑफिस जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता हूं इससे पहले कि वो बंद हो जाए। तब कहता है, यू गॉट टाइम, आपके पास समय है, यू इवन गॉट टाइम टू वॉक, आप टहल के भी जा सकते हैं, इट्स ओनली टू ब्लॉक्स, सिर्फ दो बिल्डिंग की बात है, यू शुड नॉट टेक योर कार व्हेन यू डोंट नीड टू, आपको कार नहीं लेनी चाहिए जब आपको इसकी जरूरत ना हो, द वॉक वुड बी गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छी एक्सरसाइज यानी व्यायाम हो जाएगी, एंड सेव ऑन गैस, और आपका ईंधन भी बचेगा, एंड नॉट पॉल्यूट, और प्रदूषण भी नहीं फैलेगा। दैट्स इकोलॉजी, यही पारिस्थितिकी है। देखिए यहाँ कुछ कठिन शब्द हैं, इसको देख लीजिए आप, एक है हफिंग एंड पफिंग यानी हाँफना, और एक है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का अर्थ हुआ व्यायाम। फिर क्या है, फिर कहते हैं
फिर जिम कहता है दे आर श्योर आई से वी हैड ए लॉट अबाउट ट्रीज एंड इकोलॉजी इन स्कूल दे मेक द एयर बेटर एंड स्टफ लाइक दैट। वो कहता है कि जिम कहता है वी हैड ए लॉट अबाउट ट्रीज एंड इकोलॉजी इन स्कूल, मेरे विद्यालय में पेड़ बहुत सारे हैं और उस इकोलॉजी के बारे में बात करता है और कहता है कि इससे हवा बढ़िया होता है और अन्य चीज़ें भी अच्छी हो जाती हैं। तब मिस्टर जॉनसन दिखाते हैं और कहते हैं सी दैट ट्री ओवर देयर, वो एक तरफ पॉइंट करके इशारा करके कहते हैं कि देखो वहाँ एक पेड़ है। ही सेज पॉइंटिंग टू वेयर देयर इजंट एनी ट्री, जहाँ कोई पेड़ नहीं रहता है उधर इशारा करके कहते हैं कि देखो वहाँ एक पेड़ है। तब जिम कहता है आई डोंट सी एनी ट्री, आई टेल हिम, मैंने उनसे कहा कि मैं कोई पेड़ नहीं देख रहा हूँ। तब मिस्टर जॉनसन कहते हैं ऑफ कोर्स नॉट, यकीनन नहीं। ही सेज कौन सेज, अतो मिस्टर जॉनसन सेज कि मिस्टर जॉनसन कहते हैं यकीनन नहीं। एंड नो ग्रास आइदर, वहाँ कोई घास भी नहीं है। बिकॉज यू मेड ए पाथ देयर टेकिंग ए शॉर्टकट फ्रॉम मिसेस ग्रीन्स हाउस, क्यों नहीं है, क्योंकि तुमने एक रास्ता बना लिया है मिसेस ग्रीन के घर से आने का, एक शॉर्टकट रास्ता तुमने बना रखा है इसलिए। देयर वॉज अ लिटिल ट्री, वहाँ एक छोटा पेड़ था, जस्ट स्टार्टिंग टू गेट बिगर, अभी वो शुरू ही कर रहा था बड़ा होना। अंटिल यू किल्ड, तब तक तुमने उसे मार दिया। इट बाय ट्राइंग टू जंप ओवर इट एवरी डे, रिमेंबर, याद करो कि वहाँ एक पेड़ था जो अब बड़ा हो रहा था जिसे तुमने मार दिया, कैसे, अतो हमेशा वहाँ जंप करते हुए जो तुमने एक रास्ता बना रखा है मिसेस ग्रीन से यहाँ आने का एक शॉर्टकट रास्ता, इसके चलते वह पेड़ मर गया, ख़त्म हो गया। तब कहता है ओह आई से, तब इसे अपनी गलती का एहसास होता है और कहता है ओह। मिस्टर जॉनसन क्या कहते हैं कि एंड टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग व्हेन यू कैन वॉक, और तुम बात करते हो कि ड्राइविंग नहीं करने के लिए जब चला जा सकता है, यानी कार नहीं चलाने की सलाह दे रहे हो। यू ड्राइव योर मोटर बाइक राउंड एंड राउंड योर बैक यार्ड ऑल समर, समर मीन्स गर्मी का दिन, कहते हैं कि गर्मी के दिनों में तुम अपने मोटर बाइक को अपने घर के पीछे दिन भर राउंड एंड राउंड घुमाते रहते हो। एंड योर स्नो मोबाइल ऑल विंटर, बर्फ पे चलाने वाली गाड़ी को कहते हैं स्नो मोबाइल। तो कहते हैं गर्मी के दिनों में तुम अपने मोटर बाइक को और जाड़े के दिनों में तुम अपने स्नो मोबाइल को दिन भर चलाते रहते हो राउंड एंड राउंड। इजंट दैट वेस्टिंग पावर एंड मेकिंग नॉइज पोल्यूशन टू, क्या ये एनर्जी का बर्बाद करना और ध्वनि प्रदूषण को फैलाना या उसको बनाना नहीं है। तब जिम कहता है बट इट्स फन आई से, यानी जिम कहता है कि बट इट्स फन, ये मनोरंजन के लिए है, आनंद के लिए है। तब कहते हैं मिस्टर जॉनसन वेल आई एंजॉय टेकिंग द कार टू द पोस्ट ऑफिस, मैं भी पोस्ट ऑफिस तक कार ले जाना एंजॉय करता हूँ, आनंद महसूस करता हूँ। He says, but now you have made me too late. और तब कहते हैं कि लेकिन तुमने मुझे बहुत विलंब कर दिया, बहुत देर कर दी मेरी। He goes in the house looking very mad. और वो बहुत ही गुस्साए हुए पागल की तरह घर के अंदर चले जाते हैं। तब जिम क्या करता है? Then I remember he hasn't paid me. तब जिम को याद आता है कि उन्होंने तो उसे भुगतान ही नहीं किया, पैसा ही नहीं दिया। बट आई डिसाइड टू वेट अंटिल नेक्स्ट सैटरडे, और तब वो निर्णय करता है कि अगले शनिवार तक इंतजार करने का निर्णय करता है। एटलीस्ट आई मेड हिम नॉट पॉल्यूट विथ हिज कार फॉर वंस, और वो अपने मन को संतुष्टि देता है कि कम से कम मैंने उनको एक बार कार यूज करने नहीं दिया और प्रदूषण फैलाने नहीं दिया। अब देखिए यहाँ फिर क्या कहता है, तब जिम आता है अब अपने घर की तरफ, वहां तो जॉनसन को समझा दिया, रोक दिया, नहीं जाने दिया, अब वो घर की तरफ लौटता है, कहता है
I don't talk to the rest of my route about ecology. मैंने अब अपने बाकी के रास्ते पर किसी से इकोलॉजी के बारे में बात नहीं किया. It's very boring work. ये बहुत ही उबाऊ काम है. This ecology bit. ये पारिस्थितिकी तंत्र पे बात करना बहुत ही उबाऊ काम है. तब कहता है, but when I get home, लेकिन जब मैं घर पहुंचा, I see my mother using the electric mixer. तब मैंने देखा कि मेरी माँ इलेक्ट्रिक मिक्सर का उपयोग कर रही हैं. तब जिम कहता है, you should do that with your old egg beater. यानी कहता है अपनी माँ से कि तुम्हें पुराने एग बेटर यानी अंडे के मिक्सर से काम चलाना चाहिए. I point out the मैंने उनसे इशारा करते हुए कहा, सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बचाओ. वुमेन यूज टू मेनी इलेक्ट्रिक थिंग्स, और औरतें बहुत सारी इलेक्ट्रिक उपकरणों का प्रयोग करती हैं. तब उसकी माँ क्या कहती हैं, शी सेज इन अ वेरी कोल्ड वॉइस, वो बहुत ही धीमे आवाज में कहती हैं, सो हु वॉचेस टीवी 27 आवर्स अ डे अराउंड हियर. और तब वो कहती हैं कि यहाँ 27 घंटे टीवी कौन चलाता है, और इज दैट सम अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या उसमें किसी दूसरे तरह की बिजली का प्रयोग होता है. यानी जिम अपने घर में जब होता है तो दिन भर टीवी चला रहा होता है, उसी की उलाहना उसकी माँ दे रही होती हैं और कहती हैं, आप तो जानते ही हैं कि दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा. उसकी मम्मी कह रही है 27 आवर्स, यानी एक उलाहना देना कि 27 घंटे तुम टीवी जो चला के देखते हो, क्या उसमें किसी दूसरे तरह की बिजली का उपयोग होता है. तब कहता है जिम, सी व्हाट आई मीन, सुनो देखिए मैं क्या कहता हूँ. नोबडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी, किसी के मन में इच्छा नहीं है कि वो पारिस्थितिकी तंत्र पे बात करे, पारिस्थितिकी पे बात करे, पर्यावरण पे बात करे, एक्सेप्ट मी, मेरे अलावे. नोबडी लिसन टू मी, और कोई मेरी नहीं सुनता. तो यहाँ क्या है, तो जिम जिस किसी से भी कहता है, मिस्टर विलियम्स से कहता है कूड़ा के बारे में, तो वो उल्टे सुनाते हैं उसको कि तुम अपने कूड़े पे पर्याप्त मिट्टी डाल देते तो वहाँ बदबू नहीं फैलती, यानी तुम नियमों का पालन नहीं कर रहे. फिर वो मिस ग्रीन के घर जाता है, मिस ग्रीन्स को जब वो समझाना चाहता है तो मिस ग्रीन उल्टे में उलाना देती हैं कि तुम गंदगी फैला रहे हो, तुम्हारा कुत्ता जो है वो गंदगी फैला रहा है, तुम अखबार समय से उठा के नहीं ले जाते हो. फिर वो जाता है जॉनसन के पास, जॉनसन को कहता है कि गाड़ी का उपयोग मत कीजिए, इससे प्रदूषण फैलेगा और पारिस्थिति के तंत्र को कैसे ठीक किया जा सकता है. तब जॉनसन कहते हैं कि पूरे गर्मी के दिनों में मोटर बाइक और जाड़े के दिनों में तुम स्नो मोबाइल चलाते हो. और तब वो आता है अपने घर तो देखता है कि उसकी मम्मी इलेक्ट्रिक मिक्सर चला रही होती हैं. और तब वो कहता है कि औरतें बहुत ज़्यादा बिजली का उपकरण उपयोग में करती हैं. तब उसकी मम्मी उसको उल्टे में जवाब देती हैं कि जो 27 घंटे बैठ के तुम टीवी देखते हो उसमें कौन सी बिजली लगती है. और अंत में कहता है जिम क्या कि देखिए, किसी को पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण की चिंता मेरे सिवाय किसी को नहीं है, और कोई मेरी नहीं सुन रहा है. तो हास्य में ही कैसे व्यंग किया है रचनाकार ने, इसको इसमें दिखाया गया. आइए कुछ कठिन शब्द है उसको देखते हैं. है समर, समर मीन्स गर्मी का मौसम. देन विंटर, विंटर मीन्स जाड़ा. मोटरबाइक मीन्स मोटरसाइकिल. स्नो मोबाइल मीन्स बर्फ पर चलाने वाली गाड़ी. तब है वेस्टिंग मीन्स बर्बाद करना. रूट मीन्स रास्ता. एग बीटर मीन्स अंडा मिक्सर. तब है इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बिजली. तब है लिसन मीन्स सुनना. आज के पाठ में इतना ही. आपका ये मी एंड द इकोलॉजी बीट पाठ समाप्त हुआ. यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें. दूसरे लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करने के लिए आप इसे शेयर करें. आपको यदि इसमें कोई गलती नजर आई हो या कोई कमी रह गई हो या अच्छा लगा हो
तो आप मेरे उत्साहवर्धन के लिए प्लीज कमेंट करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियोस आपको सुगमता से मिल सके। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू अगेन।